Hello, good morning everybody. Today in the sequence of online video lectures, I'm going to teach you contour. In this topic, first I will discuss the names, Sankhya, Lakshan, Samanya Chikitsa and Vichikitsa of Karnarog. So as per Acharya Sutra, there are 28 Karnarog. So let's start the lecture. So Karnarog, Karnarog 28 हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत का मत है। कर्ण शूलम प्रणादर्श वादेरम श्वेत एवच कर्ण श्राव कर्ण कंडूर कर्णवच तथा एवच कृमि कर्ण पत्रिना हो विद्विधि द्वित तथा कर्णपाक उद्गण तथा वो चतुर्विधम कर्णार्बुदम सप्तविधम शोभ्यपि चतुर्विधम इति कर्ण गदा रोग अष्टविस्तीर्ण अर्थात कर्णगत रोगों के नाम और संख्या इस प्रकार है कर्णशूल कर्णनाद कर्णवादीर कर्णक्षीर कर्णस्राव कर्णकंडू कर्णवर्ष कृमिकर्ण कर्णप्रतिमा द्वित कर्ण विद्रधि कर्णपाक उदिकर्ण चतुर्विध कर्ण सप्तविध कर्ण अर्बुद चतुर्विध कर्ण शोक इस त्रिकोण में होने वाले ये 28 रोग कहे गए हैं। तो कर्णों के सामान्य हेतु बताए गए हैं अवश्य जल क्रीड़ा कर्ण कंड्यून मारुत मिथ्य योगेन शस्त्र से कुपित अन्य शिकोपने जल में तैरना तथा कान में उजलाना शस्त्र के मिथ्य अन्यथा प्रयोग करने से या शलाका के कुप्रयोग से वात कुपित होकर कर्ण की सिराओं को प्राप्त कर कर्ण शोध में वेग के साथ शूल उत्पन्न करता है। इस तरह उत्पन्न रोगों को कर्ण रोग कहते हैं तथा ये संख्या में 28 होते हैं। तो सबसे पहले वातज कर्ण शूल जिसको आचार्य सुश्रुत ने कर्ण शूल के नाम से बोला है, उसने दोष अनुसार नहीं बोला है। जो लक्षण है वो एक ही श्लोक में वर्णित कर दिया है, जबकि चिकित्सा के समय दोषानुसार चिकित्सा का वर्णन किया है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो लक्षण है वो है समयण श्रोत गो अनत्याचर समंत शूल अनुमति करण प्रति दोष यदा सर्वित कर्ण शूल कल्चित हो दुराचर अर्थात शोत प्रदेश में स्थित वायु मिथ्या आहार विहार से प्रकोपित हुए कफ पित्त रक्त दोषों से आवृत होकर विमार्ग में गति करता हुआ कर्ण में चारों ओर अति तीव्र शूल करता है। इस रोग को कर्णशूल कहते हैं तथा यह रोग दुश्चिकित्सा है। इसके पश्चात आचार्य ने कर्ण रोगों की सामान्य चिकित्सा का वर्णन किया है जो उत्तर तंत्र के 21वें अध्याय में है। सामान्य कर्ण रोगेषु कृत्वानं रसायनं अव्यामोऽस्य स्नानं ब्रह्मचर्य अगत्वा अर्थात सब प्रकार के कर्ण रोगों में घृत का पान रसायन औषधियों का सेवन व्यायाम का परित्याग सिर को छोड़कर स्नान ब्रह्मचर्य का सेवन एवं अधिक वार्तालाप नहीं करना यह सामान्य चिकित्सा तथा पथ्य है।
उसके पश्चात कणशूल आदि समान चिकित्सा का वर्णन किया है, जिसमें कणशूल, कणपना, वाधीय, क्षेद, ये चारों प्रकार के रोगों की चिकित्सा जो समान चिकित्सा एक समान है। तो आचार्य कहते हैं कणशूल प्रणादेशी वाद्रिक श्वेड चतुर नाम अपी रोगाणाम समान है। तो इस प्रकार से इन चारों रोगों की समान चिकित्सा एक प्रकार की है। आगे आचार्य कहते हैं कणशूल, कर्णनाथ, कर्णवादी और कणक्षो, इन चार प्रकार के कर्ण रोगों में गृहपान आदि उक्त समान चिकित्सा तथा आगे के श्लोक में कही जाने वाले स्नेह, स्वेदन, स्नेह विरेचन आदि समान चिकित्सा श्रेष्ठ कही गई है। आगे चार कहते हैं स्निग्ध वाथरे स्वेदन नरम स्नेह विरेचितम नाड़ी स्वेद उपचेरे पिंड स्वेद तथा चोर। तो सामान्य चिकित्सा में चार कहते हैं कर्ण रोगी को प्रथम स्नेहपान और अभ्यंग से स्निग्ध करके वातनाशक द्रव्यों को पानी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा के क्वथित होने की दशा में उस पात्र पर चलने तक निकलते हुए वाष्प से स्फेदित कर एरन तैल बदाम रोगन आदि स्नेह द्रव्यों से विरेचन दें, पश्चात नाड़ी स्वेद तथा पिंड स्वेद से पुनः स्वेदन करना चाहिए। विल एरंडवर्क वर्षाभु तदितो उन्मत्त सिद्धुवी वस्तुगंधा अश्वगंधा व्यायाम तरकारी वेणुवी अनावश्यक वीण नाड़ी स्वेदे प्रयोज्यत कपास मुत्थान कणशूलम मिनरस्य आदि। नाड़ी स्वेदो उपयोगी द्रव विल एरंड अर्क पुनर्णवा कैद काल अधूरा सहजन वस्तगंधा अश्वगंधा अरणी योगेण नियुक्त करके कांजी में पकाकर दिया गया नाड़ी से कफरवाद से उत्पन्न कणशूल को नष्ट करता है। आगे पिंड स्वेद के विषय में आचार्य कहते हैं मीन कुकुट लवणा स्वेदन करने से कणशूल नष्ट होता है। तो इस प्रकार नाड़ी स्वेद और पिंड स्वेद के द्वारा चिकित्सा का विधान आचार्य ने बताया। अश्वत पत्र खलम व विदाय गोपत्र तदंगाय संपूर्ण विदध्या वर्णों पर ये तैलम चयते तस्मात खलात अंगा ता पिता तत्प्राप्त श्रवण शोध सद्य ग्रहणति वेदना। अर्थात कणशूल और स्नेह से अच्युत के अनेक पत्र लेकर उनका खलवाकृति दिन धोना बनाकर उसमें निर्धूम तथा दीप अंगार भर के चिमटे से पकड़कर श्रवण के ऊपर पकड़े हैं, फिर अंगार से तब उस अच्युत पत्र खल से त्याल टपकर कर्ण स्रोत में गिरता है और उससे तत्काल कर्ण वेदना शांत हो जाती है। ये जो यहाँ पे है इसमें दीप अंगार भर के ये फॉन्ट चेंज हो गया है, ये अंगार है जो यह इस प्रकार से यहाँ दिखा जाना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य कहते हैं श्याम गुगुल गुरु भी सवित दुपेदम भक्तों परिहितम सर्पी वस्तुगंज पूजितम निरन्नो निशी तत्सर्पी स्वेदन के अनंतर अलसी गुगुल अभित निर्धुम अंगार पर रख इसके कण इससे कण को दीपित करना चाहिए, इसके सिवाय रुग्ण को भोजन करा के कृतवान कराना चाहिए
अनंत शिरोवस्ती कर्म करना चाहिए। आगे चारा कहते हैं मूल वस्ती शु नस्य मस्तिष्क मस्तिष्क के परिसेचने शतपागम बलाता ना प्रशस्ते च अभी भोजना कंटकारी अजा क्षीरे पक्वा क्षीण तेम च विपिचेत उपवसाम पण्यो प्रपूर्णम। स्लाइड में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको पूरा जो है ये कंसाइज रह गई है, इसको पूरी स्लाइड को कवर नहीं किया फोटो फोटो खींचने के बाद, तो ये मिस्टेक हो गई है। तो ये जो यहाँ से लेके 13 और 14 श्लोक लोगों को जो इसको स्टडी करना है, तो इसमें बोला गया बला तेलो शिरोवस्ती मत्स्य सिर के परिचेचन तथा भोजन में शतपाकी और बला तेल प्रस्तुत माना गया है। इसके अतिरिक्त कुक्कुट वसा पूर्ण कटेरी की जड़ एक पल भर लेकर 8 पल दुग्ध तथा दुग्ध से चतुर्गुण पानी भर डालकर दुग्धा अवशेष पा करके छान कर उसमें 1 पल कुक्कुट की वसा डालकर वसावशेष पा करके उसे सुहाती सुहादी दोनों कानों में टपकाते हुए कानों को पूरित कर देंगे। तो इसमें कर्ण पूर्ण का योग किया गया है। तुंडू लिय मुलानी फलम गोल चिंतथा अनिश्रा कुंदे कामूलम सरलम देवदारु च लक्ष्मणम शवीरेश तथा वंश अवलेखनम कलके रेशम थमले शुच पचेत स्नेहम चतुर्विधम वेदनायाः प्रशान्त्यर्थम इतम तत्कर्णपूर्णम। तो इसमें कर्णपूर्ण के लिए योग बताया गया है जिसमें क्या आगे चुलाई की जड़ अंकोट का फल जिंटी तिंदु की जड़ सरकास देवदारू लसन की गिरी सोंट बांस के छिलके ये सबको संप्रमाण में लेकर खान कूट के पानी के साथ पीस कर कल्प बना लेंगे और उससे कर्णपूर्ण करना। तत्पश्चात घृत तैल वसा और मजा इन चारों स्नेहों को संप्रमाण में मिक्षित कर उक्त कल्प से चतुर्गुण लेकर तथा इन स्नेहों से चतुर्गुण कांजी दही छात शादी लेकर स्नेहा विशेष पा करके छान कर मंदोष्ण रूप में कर्ण वेदना को शांत करने के लिए कान में पूरित करना। आगे चारा कहते हैं लक्षण अद्रक अद्रक शिवगुणाम मुरंगिया मुलकस्य च कदलिया सवर सुशेष करुषम कर्ण गुणे श्रेण वीरस्य शोधम सैनम तैलमे च मंदूषणम कर्णियो अध्य में तदवा वेदना अहम वंशावलेखना युक्ते मुद्रे चाजीवी के विष्क सर्पी पेचे तीन कर्ण पुण्य कर्ण शूलिन। तो कर्णशूल और वृत्त का प्रयोग बताया बकरी और भेड़ के मूत्र में बांस के छिलके डालकर घृत मिला के पकाकर कान में कुदूषण डालने से कर्णशूल नष्ट होता है। मत पंचमूल से कान मस्त दशांगुलम शामेण वेष्टिय संचय तैलना दीपय तथा तैलम चव्यति तेव्यो घृतव्यो भोजन गेम तद्दीपिका तैलम सद्यो ग्रहणति वेदना। तो ये दीपिका तैल का वर्णन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, इसको याद कर लीजिए। इसके विषय में बोला गया वृत्त पंचमूल का 18 अंगुल लंबा टुकड़ा लेकर 80 के वस्त्र से आवेशित कर तिल त्याग से संसिद्ध कर अग्नि प्रज्वलित कर चिमटे से पकड़ के किसी कटोरे के ऊपर पकड़े रहे हैं, इस तरह बूंद बूंद तैल टपक कर पात्र में इकट्ठा हो जाता है, इसे दीपिका तैल कहते हैं तथा इसको कानों में डालने से तत्काल कर्ण वेदना नष्ट होती है।
कुर्यादेवं वृद्रकाश्चे कुष्ठे काश्चे च सारले मतिमान जीविका तैलं कौनशूल निवर्तनो। वो इसी दीपिका तैल विधि से जो है बुद्धिमान वैद्य जो है देवदारू कुष्ठ और सर्वकाष्ठ की लकड़ियों से भी दीपिका तैल बनाकर कर्णपूर्ण करके कर्णशूल नष्ट करें। इसके पश्चात आचार्य कहते हैं अर्कांकुर नाम्ल पिष्ट तैल तैलकान लवणान निमंत्रण वितान सनिध्याद्यार स्वर्णी कांडे करोति तस्य दा अवृद्धि उपाक्रम सविनाम पीड़िये दास साधुमा सुकृष्णे तद्रसम कर्ण तचूर विनिफृत्येत अर्कंकु सोरस। आके कोमल पत्रांकुरों को कांजे में पीसकर उनमें से कुछ तेल दे तथा लवण मिला के तुअर के डंडे में छेद करके उसमें भर के तुअर के पत्तों से ही उस छिद्र को बंद कर अग्नि में गाढ़ के पुटपाक विधि से स्वयं कर्पूर बाहर निकाल के दबाकर उस निचोड़ के सुकोष्ण कान में डालने से कर्णशूल नष्ट होता है। आचार्य आगे कहते हैं कपित मातुलम अम्बर शंग वे रसे सुबह सुकोष्ण पूरे कर्ण अछूल निवृत्त नींबू और अदरक का रस निकाल कर गर्म करके कर्णशूल नष्ट करने के लिए सुखोष्ण रूप से कान में डाले। कर्णशूल पीड़ित मनुष्य के कान में चुक्र को गर्म कर भर दें अथवा युक्ति से समुद्र फेन का चूर्ण बना कान में डालना चाहिए। आगे चार कहते हैं अष्टांग नाम ही मुद्रणा मुद्रिणा अन्य तमेन तू पोषण पूरी कर्ण शूल हो शांति हो मुद्रेश्व मुद्रेशु वाधने गणे च वचिते विश्क वच्चे चतुर्विधम स्नेहम पूर्णम तच्छकर्ण्यो अष्टमूत्र पूर्ण। अष्टमूत्र में से किसी एक मूत्र को गर्म करके कोशन रूप में कर्णशूल विनाश और कर्ण को पूरित करें। अष्टमूत्र में तथा अमल वर्गोक्त द्रव्यों के क्वाथ में तथा वदारवादिक वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ में गिद्ध तैल अवस्था और मज्जा इन चतुर्विध स्नेहों को पकाकर कोशन रूप में कर्ण में कर्ण पूरित करने से कर्णशूल नष्ट होता है। पितृगण शूल की चिकित्सा शुरू हो गई है। ये जो कोटेशन था ये पितृगण शूल की चिकित्सा के विषय में था। इसका अर्थ है पितृकर्णशूल में पित्तनाशक द्रव्यों के कल्प और क्वाथ के द्वारा गिद्ध तैल करके या दीपिका आदि तैल बनाकर कान में टपका हुआ इनके सिवाय काकुले आदि गण की औषधियों के कल्प में कल्प से दोष गुणा दुग्ध मिलाकर अथवा तिक्त वर्ग की औषधियों के कल्प और क्वाथ में गिद्ध मिलाकर पाक करके कोष्ठ रूप में कान में टपका हुआ। आगे चार कहते हैं कि वृक्ष के पत्रों की कल और क्वाथ में से त्याग हुआ गृह तत्व मलेटी तथा चंदन के क्वाथ और कल्प में से गृह तत्व चरका मलेटी और द्रव्य आदि विरेचित द्रव्यों के कल्प से चतुर्गुण गृह और गृह से चतुर्गुण जल मिला के सिद्ध त्याग हुआ गृह कर्ण में पूरित करने से पैतृक कर्णशूल नष्ट होता है। इसके पश्चात कौफल कर्णशूल चिकित्सा इसके विषय में आचार्य कहते हैं निंगुदी सकफे पूर्ण तिक्तौषधनाशाधनाशनोपूर्णे मध्य तैलम तेषवी वाकृत तीक्षण मूल
पूर्ण करना हितकर होता है। इसके सिवाय औषधियों का यूज तथा कफनाशक सूक्ष्मवेद भी लाभकारी होता है। द्रव्य संगणीय अध्याय में कहे गए सुरसादी गण की औषधियों की बात कल्क से सिद्ध किया हुआ पहला तो वृद्ध पंचपूर्वी औषधियों की बात और कल्क से सिद्ध किया हुआ तैल कफन कंट्रोल में टकान से लाभकारी होता है। इसी प्रकार बिजौरे नींबू का रस युक्त लहसुन की गिरी का रस और अदरक का स्वरस इनमें से किसी एक को गर्म कर उष्ण रूप में कान में टपकाने से कफ जाने अथवा इन्हीं पदार्थों की कल का स्वरस के साथ तैल पकाकर कान में टपकाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बमार का आदि के बीजों के चूर्ण का तीक्ष्ण से देकर मूर्ध विरेचन कराना तथा इटली आदि तीक्ष्ण पदार्थों के पास से कबल धारण कराना कफ शून्य कंट्रोल में उत्तम है। इसके पश्चात शोणित चूर्ण चिकित्सा कंशुला विधि संतुलन शोणिता अवृद्धि शोणितजन्य कंशुल रोग पित्तल कंशुल नाशक समस्त चिकित्सा विधि का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार धन्यवाद। डॉक्टर को ध्यान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो ये टॉपिक थोड़ा क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड सा है, परंतु एक दो बार रिवीजन करके हो जाएगा। साथ में ही मैं इसको टेबुलर फॉर्म में भी आपको प्रेजेंट कर दूंगा ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो जब ये कर्ण रोग हो जाएंगे तो उसके पश्चात टेबुलर फॉर्म में मैंने जो बना रखा है ऑलरेडी उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, तो फिर आपको टॉपिक इजी लगेगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर केयरफुली। गुड बाय।